हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित अलवीन में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लीगल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड बेंचमार्क रिलेशन का आपके सामने थर्ड लेक्चर आपको बताने वाले। तो थर्ड लेक्चर में हम देखिए डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कि डिस्कस अबाउट एडवोकेट अकाउंटेंसी, अधिवक्ता लेखांकन के बारे में। अब एडवोकेट अकाउंटेंसी का मतलब हुआ कि एडवोकेट जो भी मुकदमे लेता है या जिन भी मुकदमों की तहरीर करता है या बहस करता है, उसका जो लेखा जोखा है वो कैसे करता है। पहली बात तो अधिवक्ता को बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर क्योंकि अधिवक्ता जो पेशा है वो कोई व्यापार नहीं है, वो एक सामाजिक कार्य है जो लोगों के अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या उनको अगर कोई आपत्ति आई है कानून से संबंधित या कोई उनके साथ कोई ऐसी कोई घटना करता है जिससे वो पीड़ित होते हैं, तो अधिवक्ता का काम है कि उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाना। वैसे तो कोई बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अधिवक्ता को ये चाहिए कि जब भी वो किसी पीड़ित व्यक्ति का केस लड़ता है तो एक लेखा जोखा तैयार करे, क्रेडिट डेबिट एक खाका तैयार करे जिसमें वो उससे कितनी अमाउंट लेता है और उसने कितनी अमाउंट कहां कहां पर खर्च की उसका ब्यौरा, और जितनी अमाउंट बची हुई है पीड़ित व्यक्ति से उस प्रकार से उसको कैसे लेना है, ठीक है, ताकि उसके जो ये जो सामाजिक कार्य कर रहा है, एक तरह से व्यापार ही कहा जाता है, एक तरह से पेशा है, तो ताकि उसके पेशे का पता चल सके कि वो अधिवक्ता किस स्थिति पर निर्भर करता है और उसकी कैसी रिपोर्ट है, उससे ये पता चलता है। इससे उसके खर्चे का भी ज्ञान होता है, ठीक, और इससे ये पता चलता है कि जो अधिवक्ता है वो अपने पेशे के प्रति कितना वफादार है। तो ये तो हमारा हो गया अधिवक्ता लेखांकन, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्रेडिट डेबिट, जो भी मुवक्किल का नाम, जितने जितने उसने केस लड़े हैं, कहां कहां पर क्या क्या पैसा खर्च किया है न्यायालय के पक्ष में, वो सब उसको बताने की जरूरत होनी चाहिए। अब वो बताता है नहीं बताता ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं। अब बात करें डिस्प्यूट अबाउट सीनियोरिटी। अधिकतर वरिष्ठता के बारे में विवाद चलता है कि सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं। तो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 21 के अनुसार जो वरिष्ठता है, अगर मान लीजिए कोई दो एडवोकेट या दो लॉयर बार काउंसिल में जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि मेरी उम्र 30 साल है और एक जो मेरे साथ का है उसकी उम्र मान लीजिए 24 साल में, जैसे मैंने तो ग्रेजुएशन बीटेक एमटेक करने के बाद एलएलबी किया, मान लीजिए उसने बीएलएलबी का कोर्स किया 12th के बाद, मान लीजिए उसने 12th 2012 में किया, मैंने 2006 में किया, तो यहां पर जो वरिष्ठता जो साबित होगी वो उम्र के हिसाब से होगी, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है कि सीनियर अधिवक्ता मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता होते कौन है। तो देखिए, भारतीय विधिक परिषद के नियम 6 अध्याय 1 में वरिष्ठ अधिवक्ता के बारे में प्रावधान दिया गया है। 1961 की अधिनियम 1961 की धारा 30 में कहा गया कि कोई भी एडवोकेट सीनियर हो सकता है, लेकिन तब जब कोई अधिवक्ता अपनी सम्मत से उस वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम पद या ले सके। अब इस पर पूरी तरह से संतुष्टि कौन दिखाता है, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर वो ये देखता है कि आपको अपने अधिवक्ता पेशे का अच्छा खासा ज्ञान है और आप उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, तो आप वरिष्ठ अधिवक्ता हो सकते हैं। ये निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर। अब इसी में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कि विधिक व्यवसाय का क्या महत्व। अब विधिक व्यवसाय एक सम्मानजनक व्यवसाय है, इसका जो सृजन किया जाता है वो लाभ के लिए नहीं किया जाता है, सामाजिक कार्य करने के लिए किया जाता है, लेकिन अधिवक्ता का भी जो जीवन है वो बिना पैसे के नहीं चल सकता, तो वो अपनी फीस तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो इसलिए सामाजिक कार्य करता है, लेकिन अपने जीवन यापन को चलाने के लिए अगर वो कुछ मुवक्किल से कुछ पैसे लेता है, तो ये ऐसा कहीं बाउंडेशन नहीं है कि नहीं अधिवक्ता है जो समाज का प्रतिकार करता है उसको पैसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको भी अपनी जीविका चलानी है, तो वो पैसे लेगा ही लेगा।
दैट इज कॉल्ड अ इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन। अधिवक्ताओं के अभाव में न्यायाधीश के लिए सही निर्णय देना एक आलौकिक कर्म है। और अधिवक्ताओं का अगर पेशा है, अगर वो किसी पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में लड़ रहा है और तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अगर पीड़ित व्यक्ति निर्दोष है तो न्यायाधीश का ये कर्तव्य है कि उसको न्याय देना ही चाहिए। अब इसमें हम एक बात करेंगे, अक्सर हमने सुना जब हमको लीगल एथिक्स के बारे में बता रहे हैं तो प्रोफेशनल एथिक्स वृत्तिक आचार जिसे कहा जाता है, व्यवसायिक आचार से तात्पर्य ऐसे आचरण की संहिता से जो चाहे लिखित हो मौखिक हो परंतु विधि व्यवसाय करने वाले अधिकारियों के स्वयं के प्रति या अपने मुवक्किल के प्रति ईमानदार होना, विधि के प्रति ईमानदार होना, विधि के नियमों का पालन करना, उनके कानून के दायरे में रहकर ही कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड अ प्रोफेशन एथिक्स, जिसको विधिक आचार प्रतीक आचार कहा जाता है। अब इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें कि भारतीय विधिक परिषद की शक्तियां क्या, पावर ऑफ इंडियन बार काउंसिल, भारतीय विधिक परिषद की शक्तियां क्या। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 15 में इंडियन बार काउंसिल के पावर के बारे में डिस्कशन दिया गया है। तो इंडियन बार काउंसिल भारतीय विधिक परिषद का ग्रुप मतदान द्वारा निर्वाचन, जिसके अंतर्गत वे सभी शर्तें हैं जिसके अधीन रहते हुए व्यक्ति डाक मत पत्र द्वारा मतदान के अधिकार, जैसे कोर्ट में जो भी चुनाव होते हैं बार काउंसिल के सहमति से, तो चुनाव वही व्यक्ति दे सकता है जिसने EIB ऑल इंडिया बार काउंसिल का पेपर दिया होगा, ठीक है, वही दे सकता है। ये नहीं कि आपने के लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन कराया तो आप बार काउंसिल का मतलब भारतीय विधि परिषद का चुनाव देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लॉयर्स का है तो लॉर्ड्स रजिस्ट्रेशन में दे सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया बार काउंसिल से आप दे सकते हैं। ऑल इंडिया बार काउंसिल का मेन मतलब यही है कि आप अपने भारत देश में, अपने पूरे भारत देश में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम, ठीक है, ऑल इंडिया बार काउंसिल ये परमिशन देगा। अब इंडियन बार काउंसिल में अगर कोई पद खाली हो जाता है तो उसको भरना, अधिवक्ता के रूप में सूची तैयार करना, विधिक परिषद द्वारा लेखा बहियों तथा अन्य पुस्तकों को रखा जाना, अपीलीय शक्ति वर्धित तथा अन्य अवचार के लिए दंड देने की भी शक्ति होती है, ठीक। ये तो हमारा हो गया बार काउंसिल का पावर, इसी तरह है बाकी, अब डिटेल जितनी ये है जो मेन मैंने जो मैंने बता। अब हम इसमें बात करते हैं, हमने अक्सर आपने ये सुना होगा कंटेंट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। अब कंटेंट ऑफ कोर्ट कहने का मतलब है कि अगर कोई अधिवक्ता न्यायाधीश की बातों की अवहेलना करता है तो उसको कंटेंट ऑफ कोर्ट कहा जाता है, या उस जिस भी कोर्ट में, जिस भी अधीनस्थ न्यायालय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर मुकदमे की तैयारी हो रही है, अगर बहस चल रही है, वहां पर अगर न्यायाधीश महोदय कोई बात कहते हैं और वकील उसका जवाब नहीं देता तो ये भी कंटेंट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। या अधिवक्ता उनकी बात का जवाब ना दे या जूता लहरा दे, ठीक है, पक्षपात, न्यायाधीश के ऊपर पक्षपात का अभियोग लगा दे या उनसे ये कह दे कि नहीं आपने ये न्याय सही नहीं दिया, क्योंकि न्यायाधीश जो होता है वो भी एक व्यक्ति है, वो इमोशनल होते हुए कभी भी जजमेंट नहीं सुनाता, वो न्याय जो है वो हमेशा साक्ष्यों के आधार पर मिलता है। अगर साक्ष्य हमारे मजबूत होंगे तो हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें साक्ष्यों की कमी के कारण पीड़ित व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है। तो न्यायाधीश का मेन काम जज्बाती होकर निर्णय देना नहीं है, उसका काम साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देना है। न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उक्त अधिवक्ता द्वारा न लिए जाना, न्यायाधीश के विरुद्ध अनुचित कार्य करना या न्यायाधीश के खिलाफ अगर कोई अनुचित कार्य करना, ठीक है। इसी में आता है क्रिमिनल कंटेंप्ट क्या होता है। तो न्यायालय अवमानना अधिनियम, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की सेक्शन 2 का सी में आपराधिक अवमानना की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार आपराधिक अवमानना से तात्पर्य किसी बात के प्रकाशन, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, चिन्ह हो, वह दृश्य प्रेरण हो अथवा किसी अन्य तरीके से हो या किसी अंधकार से हो, जो किसी न्यायालय के कलंकित करने का काम कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, क्रिमिनल ऑफ कंटेंप्ट कहलाता है। अब इसी में हम आपको एक अगला टॉपिक बताते हैं, बेंच बार रिलेशन, बार बेंच संबंध क्या है। तो बार बेंच संबंध क्या है कि जो बेंच विधि का प्रशासन है वो बार काउंसिल की मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो न्याय के प्रशासन में बेंच एवं बार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ठीक है। तो जो बेंच जो बार का प्रशासन होता है वो बेंच की सहायता करता है ताकि अधिवक्ता गण जिस भी केस की बहस कर रहे हैं या जो भी वहां पर तहरीर चल रही है उसके बारे में साक्ष्यों को सही से एकत्रित करना ताकि न्यायाधीश महोदय को न्याय देने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि न्यायाधीश महोदय जो होंगे वो साक्ष्यों के आधार पर ही अपना निर्णय सुनाएंगे। अब इसमें एक केस आता है हनीराज एल चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1996 सुप्रीम कोर्ट 1708 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रक्षेपण किया था कि विधि व्यवसाय पर बार न्यायपालिका का की भागीदारी होती है और न्याय के प्रशासन में बार को अपना सर्वोत्तम योगदान देना चाहिए। चूंकि न्यायालय अपना कार्य अधिवक्ता के कथन के आधार पर करती है, इसलिए अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय का सम्मान करें और अपनी स्वच्छ छवि बनाए रखें, अपनी स्वच्छ छवि बनाए। ठीक है, ये हमारा बेंचमार्क लेसन है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।